केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड टीकाकरण का एक साल पूरा होने पर डाक टिकट जारी किया। अपने ही देश में तैयार किया गया कोवैक्सीन को शुरू किए हुए एक साल हो गया है। इस उपलक्ष में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक डाक टिकट जारी किया है। मंत्रालय के अनुसार भारत के 70% एडल्ट्स को कोविड-19 के लिए फुल्ली वैक्सीनेट कर दिया गया है और 93% लोगों को इसकी पहली डोज दे दी गई है। अगर आपको स्टैम्प कलेक्शन का शौक है तो आप इस टिकट को भी अपने कलेक्शन में रख ले। डच के शाही परिवार ने अपनी गोल्डन कोच का प्रयोग स्थायी रूप से बंद कर दिया। डच की शाही परिवार ने कॉलोनियल पास्ट पर अपनी आलोचना करके अपनी ऐतिहासिक गोल्डन कोच का प्रयोग बंद कर दिया। उस पर ऐसे कुछ चित्र थे जिससे पहले की कुछ कॉलोनियों को आपत्ति हुई। नेदरलैंड्स के राजा विलियम अलेक्जेंडर ने कहा था कि हमारे इतिहास में ऐसा बहुत कुछ है जिस पर हमें गर्व है, साथ ही यह हमें अपने गलतियों को सुधारने का मौका भी देता है ताकि भविष्य में उन्हें दोहराया न जाए। डच के राजाओं ने एक बार महाद्वीपों को जोड़ा था। अपने इतिहास को समझना एक अच्छी बात है। अब गणतंत्र दिवस आने ही वाला है ग्रासपर्स, तो हमने सोचा कि क्यों न यहाँ गणतंत्र दिवस परेड में दिखाई जाने वाली झांकियों के बारे में कुछ चर्चा की जाए। गणतंत्र दिवस के समारोह में भाग लेने के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को अपनी झांकियों में केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मुद्दों के अनुसार किए गए कामों की झलक दिखानी होती है। सुरक्षा मंत्रालय द्वारा कला, संगीत और कोरियोग्राफी के क्षेत्र से चुने गए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाती है जो इनका चयन करती है। इस साल का थीम है आजादी के 75 साल। सुरक्षा मंत्रालय ने सभी पार्टिसिपेंट्स को कहा है कि वे अपनी झांकियों के लिए इको फ्रेंडली सामान का प्रयोग करें। उनसे यह भी कहा गया है कि वे प्लास्टिक से बनी चीजों का उपयोग ना करें। इन झांकियों में ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले वॉल्स, रोबोट्स और मेकाट्रॉनिक्स के साथ साथ कभी कभी VR और AR का प्रयोग भी किया जाता है। हमें उम्मीद है कि आप सब सुबह जल्दी उठकर शानदार परेड जरूर देखेंगे। इस सप्ताह का मुहावरा है घुटकियां खाना, जिसका मतलब है डांट डपट सहना। बड़े भाई की घुटकियां खाकर अचानक छोटे भाई ने मुंह खोल दिया। बूझो तो जाने, बच्चे भी कहते हैं मामा, बूढ़े भी कहते हैं मामा, दीदी भी कहती है मामा, बोलो कौन से मामा? चंदा मामा। पहचानो कौन? इन्होंने पश्चिमी देशों में वेदांत और योग के भारतीय दर्शन शास्त्र की पहचान कराई। इन्होंने भारत के कई स्थानों की यात्राएं भी की और 1893 में अमेरिका में इन्होंने दुनिया भर के धर्मों पर संसद में व्याख्यान दिया। वे श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उन्होंने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, यह स्वामी विवेकानंद जी ही हैं। क्या आपको मालूम है कि स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म के साथ पश्चिमी देशों में योग की भी जागरूकता फैलाई? क्या आपको मालूम है कि सिविल ऑफिसर्स की परीक्षा का सिस्टम चीन में शुरू हुआ था? इंपीरियल कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस को केजू के नाम से जाना जाता था। ये राज्य के प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति के लिए होते थे। इस परीक्षा की एक मनोरंजक बात यह होती थी कि इसमें 8-legged essays लिखने होते थे। इसका मतलब कि 8 घंटों में साहित्यिक लेख लिखने होते थे। इसके लिए उन्हें 2 रात और 3 दिन का समय दिया जाता था। लोग इसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि इसमें उम्मीदवारों का चयन उनकी प्रतिभा के आधार पर किया जाता था, ना कि उनके जन्म के आधार पर। इसका आरंभ 206 BCE में हुआ था।
क्विज टाइम। किस वर्ष में राज्य के इंपीरियल सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशंस की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था? अपने जवाब हमें contactus@igrasp.com पर जरूर भेजें। अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटोग्राफ के साथ। पिछले हफ्ते के प्रश्न का जवाब है, योशीजावा रैनलेट प्रणाली अकीरा योशीजावा द्वारा तैयार की गई थी। यह निर्देशों को अधिक स्पष्ट और सुलभ बनाने के लिए ओरिगामी फोल्ड का वर्णन करने के लिए आरेखों का उपयोग करता है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलता पूर्वक भाग लेने पर सेंट कबीर इंडियन इंटरनेशनल स्कूल वडोदरा गुजरात के युग मिश्रा को हार्दिक अभिनंदन।